सेनानी श्री स्वतंत्र वीर सावरकर जी के जीवन के विविध पहलू पर है। हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज इस विषय का प्रतिपादन हम सबके बीच प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य माननीय सदानंद सप्रे जी भाई साहब के द्वारा होने जा रहा है। आप पूर्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्य भारत प्रांत के प्रांत कारवा रहे हैं। आप संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी में सदस्य भी रहे हैं। आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विश्व विभाग में सहसंयोजक रहते हुए 20 से अधिक देशों की यात्रा भी करी है और पूर्व में आप भारतवर्ष के बुद्धिजीवियों का अमंच कहे जाने वाले प्रज्ञा प्रवाह के संयोजक भी रहे हैं। वर्तमान में प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आपका केंद्र भोपाल है। पश्चात हम सभी को माननीय सदानंद सप्रे जी भाई साहब का उद्बोधन प्राप्त होगा। गीत बोलेंगी स्वरा दीदी वो स्नेहा वैसंपायन दीदी जी नर्मदा भाग जबलपुर से। जय श्री राम। वंदे मातरम 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 राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम 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 बंसी के बहते स्वरों का प्राण वंदे मातरम बंसी के बहते स्वरों का प्राण वंदे मातरम झनकार जन के नाद वंदे मातरम झनकार जन के नाद वंदे मातरम शंख के संघोष का संदेश वंदे मातरम शंख के संघोष का संदेश वंदे मातरम राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम 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 सृष्टि बीज के मंत्र का है मर्म वंदे मातरम सृष्टि बीज के मंत्र का है मर्म वंदे मातरम राम के वनवास का है काव्य वंदे मातरम राम के वनवास का है काव्य वंदे मातरम दिव्य गीता ज्ञान का संगीत वंदे मातरम दिव्य गीता ज्ञान का संगीत वंदे मातरम
माननीय प्रांत संचालिका जी, प्रांत कार्यवाहिका जी, अन्य उपस्थित अधिकारी वर्ग एवं आत्मीय सेविका भगिनी, आज अपने ये 75 दिवसीय एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि ज्ञान यज्ञ है, उसका समापन का दिन है। और आज के कार्यक्रम का संचालन जो नई पीढ़ी के लोगों को करने का अवसर दिया गया है, ये देख करके बड़ा अच्छा लगा कि केवल उनका उत्साह बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन वास्तव में पुराने लोगों की तुलना में यदि यह नई पीढ़ी का आज के संचालन का यदि हम कुछ विश्लेषण करते हैं तो ध्यान में आता है कि कहीं भी ये कम नहीं पड़े हैं, बल्कि और मुझे विश्वास है कि आप बड़ी आयु की सेविकाएं इसको अन्यथा नहीं लेगी, लेकिन कुछ मामलों में ये नई पीढ़ी के लोगों का संचालन पुराने लोगों की तुलना में कुछ अधिक अच्छा रहा है। आप लोगों को सुनकर जानकर भी प्रसन्नता होती है कि हमारी नई पीढ़ी, और सावरकर जी के जीवन के बारे में विचार करते समय एक जो आग्रह किया था दोनों दिन, वो प्रसंग के समय सावरकर जी की आयु क्या थी इसको हमने हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, और इसलिए पुस्तक की रचना की, काव्य की रचना की, तो उनकी आयु क्या थी ऐसा 2-3 बार उल्लेख भी किया था, कहीं 23 वर्ष है, कहीं 24 वर्ष है, या 11-12 वर्ष है,
ऐसी आयु में वह चीज की हुई है। इसी का अर्थ है कि बहुत छोटी आयु से भी हमारे लोगों में ऐसी क्षमता होती है कि बड़ी आयु वाले जो काम करते हैं वे छोटी आयु वाले भी कर सकते हैं, उन्हें वैसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। अपने इस सारे कार्यक्रम की योजना बनाने में जो संलग्न प्रमुख पदाधिकारी होंगे उनमें साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बात का ध्यान रखते हुए नई पीढ़ी को भी इस प्रकार का अवसर प्रदान किया है। और नई पीढ़ी के लिए भी मेरी शुभेच्छाएं हैं, शुभकामनाएं हैं कि आज जैसा अच्छा उन्होंने कुल मिलाकर के संचालन का कार्य संपादित किया है, इसमें और सुधार करते हुए और अधिक अच्छा करें और अधिक अच्छे कार्यकर्ता बने, ऐसी मेरी शुभकामना है। हम लोगों ने गत दो दिनों में 1937 तक के सावरकर जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा विचार किया है। जैसा प्रारंभ में कहा था कि उनके जीवन के इतने पहलू हैं, इतने काम किए हुए हैं, इतने प्रकार के काम किए हुए हैं कि दो तीन व्याख्यानों में उन सब को समेट लेना संभव ही नहीं है। और इसीलिए चूंकि आज अंतिम दिन है इस श्रृंखला में, तो सावरकर जी के जीवन से जिसे हम प्रैक्टिकल टेकआउट कहते हैं कि हमें व्यावहारिक रूप में उसमें से क्या ग्रहण करना है और आज के परिप्रेक्ष्य में क्या ग्रहण करना है, क्योंकि एक बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे विचार भी किया था अपन ने कि महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ते हैं, सुनते हैं तो केवल उनका गुणगान करने के लिए नहीं, तो उस जीवन चरित्र में से हम आज अपने जीवन में क्या क्या बातें जोड़ सकते हैं। जब ये कहते हैं कि उनके जीवन में जो कुछ उन्होंने किया हुआ है उससे हमने कुछ सीखना है, तो एक बात को हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि एज इट इज करने की बात नहीं होती है, मूल बात ध्यान में रखते हुए और फिर उसमें से आज हमने क्या ग्रहण करना है, यह श्रोता ने या पाठक ने हमेशा सोचने का विषय रहता है। एक छोटा सा उदाहरण यदि हम लेते हैं कि कोई वीरता में छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप इनको आदर्श मानते हैं और उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं, वीरता इस गुण में है, तो जैसा शिवाजी ने किया जैसा महाराणा प्रताप ने किया एज इट इज लेना, यदि ऐसा सोचेंगे तो हमें तलवार युद्ध या भाला युद्ध में निपुणता प्राप्त करना यह दिशा हमारी हो जाएगी। लेकिन यदि इस बात का भाव समझते हैं तो उस समय पर ये शस्त्र थे जिनके आधार पर वीरता दिखाई जाती थी, आज वीरता दिखाने के शस्त्र अलग है, तो उनके जैसा बनना यानी हम भी तलवार चलाना और भाला चलाने में निपुण हो जाएं, यह सोच न होते हुए जैसे उस समय के शस्त्रों के संचालन में वे निपुण थे वैसे आज के शस्त्रों के संचालन में मैं निपुण बनूंगा बनूंगी, यह सोच रखते हुए यदि हमारे क्रियाकलाप होते हैं तो हम उनके जीवन से कुछ अधिक ग्रहण किए हैं, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो इसी दृष्टि से आज के परिप्रेक्ष्य में हमको क्या ग्रहण करना है, यह विषय आज रखना है। इस कारण से उनके 1937 के बाद के जीवन के बारे में अधिक विचार करना संभव नहीं हो पाएगा। फिर भी संक्षेप में यदि विचार करना हो तो इस सारे कालखंड में हिंदू मुस्लिम यह जो एक प्रश्न उपस्थित हुआ था देश के सामने, उसके कारणों के पीछे नहीं जाते किसके कारण हुआ क्यों हुआ बड़ा विषय है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी समस्या भारत में उत्पन्न हुई थी और दुर्भाग्य से यह समस्या आज भी विद्यमान है।
हम जानते हैं कि इसी समस्या के कारण से देश का अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी हुआ है। हम जो वस्तु स्थिति है उसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं, अनदेखा नहीं करना चाहिए, वस्तुस्थिति को स्वीकार करना चाहिए और उसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सामना करते हुए उसमें से क्या हल निकालना है, यह सोच, यह सही दिशा की सोच होती है। तो यह जो भारत का विभाजन हुआ, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम समस्या, इसके कारण से उस संबंध में सावरकर जी के बड़े स्पष्ट विचार थे। तो वे विचार और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनको कैसे लागू किया जा सकता है, यह सोच आज के कार्यकर्ताओं से अपेक्षित है। अन्य भी अनेक प्रसंग वहां पर हुए हैं, जैसे 1857 के स्वातंत्र समर की क्षति 1957 में जब मनाई गई थी, हम लोगों को यह जानकर के बड़ी प्रसन्नता होगी कि उस समय पर जो कुछ प्रमुख कार्यक्रम हुए थे उन कार्यक्रमों में अमर शहीद भगत सिंह की माताजी का की प्रत्यक्ष उपस्थिति रही है। और 1857 का स्वातंत्र्य समर यह ऐतिहासिक ग्रंथ के रचयिता सावरकर जी भी स्वयं उसमें उपस्थित थे। तो भगत सिंह जी की माताजी की उपस्थिति में स्वयं सावरकर जी का उद्बोधन, ऐसा एक अविस्मरणीय प्रसंग 1957 के उस युद्ध की क्षति जो वर्ष भर मनाई गई थी उस दौरान हुआ था। कल उल्लेख हुआ ही था कि 1960 में जब ये मुक्तता इनकी होने वाली थी दो कारावासों, आजीवन कारावासों से, उस समय सावरकर जी स्वयं उपस्थित थे उस मृत्युंजय दिन के कार्यक्रमों में। तो ऐसे छोटे छोटे लेकिन बड़े महत्व के प्रसंग भी उनके जीवन में हमको दिखते हैं। लेकिन भारत का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी हुआ है और सावरकर जी के मन में वह टीस आखिरी सांस तक बनी हुई थी। बड़ा प्रसिद्ध है कि जब उन्होंने देखा कि अब इस जीवन में और कुछ नहीं किया जा सकता है, तो जिसे आत्मोत्सर्ग कहते हैं, कुछ खाना पीना इत्यादि बंद करके, अपने यहां पर यह पद्धति है कि इस पद्धति से प्राण त्याग करना, इसको आत्महत्या नहीं बोलते हैं। तो इस पद्धति से जो उन्होंने प्राण त्यागने का संकल्प लिया था, तो उन्हें कहा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे, ऐसा मत करिए, आप अन्न जल का ग्रहण कीजिए। तो उन्होंने बड़ी वेदना से कहा था कि जो विभाजन के कारण से अधिकांश सिंधु नदी यह पाकिस्तान में से बहती है, जरा सा हिस्सा भारत में से बहता है, बाकी और सिंधु नदी का भारत के इतिहास में कितना अनन्य साधारण महत्व है बताने की आवश्यकता नहीं है। तो उस सिंधु नदी पर सावरकर जी का आत्यंतिक प्रेम था। उन्होंने कहा कि कोई मुझे मेरी सिंधु नदी लौटा दे तो मैं अन्न जल ग्रहण करना प्रारंभ कर दूंगा। यह टीस मन में लेकर के, विभाजन की टीस मन में लेकर के सावरकर जी इस संसार से विदा हुए थे। तो कहीं ना कहीं यह विभाजन वाला विषय भी हमारे हृदय में बना रहना चाहिए। स्वतंत्र विषय है, अलग विषय है, विस्तार से विचार करना आज संभव नहीं है, आवश्यक भी नहीं है, लेकिन यह टीस बनी रहे और यह टीस पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे प्रत्येक पीढ़ी के हृदयों में बनी रहे। नाउ इट इज अ सेटल्ड फैक्ट, लेट अस एक्सेप्ट इट एंड गो अहेड। यह जो एक तथाकथित आधुनिक सोच होती है, इस तथाकथित आधुनिक सोच को अपने मन मस्तिष्क में न आने दे और इस टीस को बनाए रखे, नई पीढ़ी के हृदयों तक यह टीस पहुंचाए। आगे जब भी जैसा भी प्रसंग आएगा, भारत फिर से अखंड होगा, ऐसा पूर्ण विश्वास मन में रखते हुए हमारी आगे की पीढ़ियां भी वैसी सोच वाली बने,
ये अपना दायित्व होता है। जैसा उनके 13 वर्ष का जो कालखंड है 1924 से 1937 तक का, इसमें जो उन्होंने समाज सुधार की दृष्टि से अनेक प्रकार के उपक्रम चलाए, वे उपक्रम एज इट इज नहीं तो कुछ एज इट इज और कुछ उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हुए आज भी समाज में चलाने की आवश्यकता है। जैसे सप्तबंदी का उल्लेख किया था, तो ये सप्तबंदी जैसे भी अनेक बंदियां आज हैं, वे उसमें से अधिकांश आज भी विद्यमान है और कुछ नए प्रकार की विकृतियां समाज में उत्पन्न हो गई है जो उस समय नहीं थी, अब हो गई है। तो जब हम कहते हैं कि एज इट इज नहीं अपनाना है उनके जीवन को, उसका यह भी एक अर्थ होता है कि उस समय पर जो समस्याएं नहीं थी तो उस संबंध में हमारे जिनको हम आदर्श मानते हैं उन महापुरुषों ने उस प्रकार के कोई काम नहीं किए क्योंकि वो समस्या ही नहीं थी। लेकिन आज यदि उस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई है, उस प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हुई है जो उस समय पर नहीं थी, तो उन विकृतियों के संदर्भ में आज की पीढ़ियों ने कुछ न कुछ नया करना चाहिए। यह भी हमको उनके जीवन से प्रेरणा लेते समय, तो ऐसे उन सप्त बंदियों में से कौन सी बंदियां आज भी विद्यमान है, उनके संदर्भ में आज क्या किया जा सकता है, और कुछ नई विकृतियां आ गई है क्या समाज में, उनके संदर्भ में आज क्या किया जा सकता है। ये बातें यदि आज के हम कार्यकर्ता उसमें से ग्रहण करते हैं और वह मार्ग पर चलते सब उस मार्ग पर चलते समय हमको कुछ दिक्कतें आती है, तो ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्रों में उन दिक्कतों को हल करने के संकेत हमको मिल सकते हैं। वो संकेत ग्रहण करना, उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परिवर्तित करना और आगे बढ़ना, यह काम अपेक्षित है। स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने एक स्थान पर कहा हुआ है, यह जो हिंदू समाज में उस प्रकार के सुधार करने की प्रवृत्ति, सुधार करने का काम, उसी के साथ साथ हिंदू समाज को संगठित करने का भी काम, यह आवश्यक है। तो सावरकर जी ने कहा हुआ है कि मेरी समुद्र की छलांग को भूल जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा हिंदू संगठक या हिंदू समाज सुधारक यह जो इस रूप में जो काम किए हुए हैं उन्हें हमेशा याद रखना, यानी जो दिव्य काम दिखता है वह यदि भूल जाओ तो चल जाएगा। समुद्र की छलांग उदाहरण के लिए उन्होंने बताया, लेकिन हिंदू समाज सुधारक, हिंदू संगठक, इस रूप में मैंने जो जो किया है इसे हमेशा याद रखना, ये स्वयं सावरकर जी का कहा हुआ है। अब सावरकर जी के जीवन का एक और पहलू हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, और वह है कि मातृशक्ति के बारे में उनके मन में कैसा भाव था। उनके जीवन में प्रत्यक्ष माता जी का तो छोटी आयु में ही निधन हो गया था, लेकिन उनकी जो वहिनी यानी भाभी येसु वहिनी जिसको वो कहते थे, उनका एक अनन्य साधारण महत्व था। जैसे मैडम कामा एक दूसरी मां के रूप में मानते थे, उसी प्रकार से ये येसु वहिनी को भी मां के रूप में उन्होंने माना हुआ है। तो इस येसु वहिनी के लिए उन्होंने जो पत्र लिखे हुए हैं, अनेक प्रसंग आए, जैसे बाबा राव इनको आजीवन कारावास की सजा हुई 1909 में, सावरकर जी को तो 1910 में हुई है, उनके बड़े भाई बाबा राव को तो एक साल पहले आजीवन कारावास की सजा हो गई थी, वो भी अंदमान ही गए थे। संयोग ऐसा रहा कि दोनों एक ही जेल में रहे, लंबे समय तक एक दूसरे से वे मिल भी नहीं सके थे। आगे चल करके उनका
अंडमान कारावास में एक दूसरे से मिलना हुआ था कई वर्षों के बाद। वह भी ऐसे विचित्र प्रसंग है। तो जब आजीवन कारावास की सजा हुई सावर बाबाराव सावरकर को, तो सावरकर जी उस समय इंग्लैंड में थे। तो येसु वहिनी का उनको पत्र आता है, तो बड़ा पीड़ादायक पत्र था कि कैसी परिस्थिति हो गई है वगैरह, एक मन हल्का करने वाला पत्र था। तो जैसे ये उन्हें माँ के समान मानते थे, तो वे भी इन्हें पुत्र के समान मानती थी। तो पुत्र के सामने अपने मन की व्यथा व्यक्त करना और मन को हल्का करना, यह जो कोई भी एक माँ करती है, तो वही काम येसु वहिनी ने किया था उस पत्र के द्वारा। उस पत्र का उत्तर जो सावरकर जी ने भेजा हुआ है, आज समय की बहुत कमी है लेकिन हम लोगों ने उपलब्ध है। सांत्वन इस नाम से वह एक काव्य के रूप में उत्तर है। उसकी एक एक पंक्ति यदि हम पढ़ते हैं तो अपने को ध्यान में आता है कि मातृशक्ति के बारे में कैसी सोच सावरकर जी की थी। ऐसे ही जब इनको आजीवन कारावास की सजा हो गई सावरकर जी को, उस समय भी परिवार यानी इनकी येसु वहिनी और इनकी स्वयं की पत्नी माई, इनकी क्या स्थिति रही होगी, यह सावरकर जी कल्पना किए हुए थे। उस समय पर वे इनके साथ नहीं थे, तो वह भी उन्होंने येसु वहिनी को ही पत्र लिखा हुआ है और मेरा मृत्यु पत्र इस शीर्षक से वह पत्र है, वह भी काव्य रूप में है। और उसमें भी कैसे कैसे भाव उन्होंने व्यक्त किए हुए हैं, यानी एक देशभक्त के परिवार के लोगों की सोच कैसी होनी चाहिए, इस संदर्भ में बहुत सुंदर बातें सावरकर जी ने इन पत्रों में की हुई है। वो जो एक पंक्ति आती है ना, अमर होए ती वंश लता निर्वंश जिचा देशा करिता, ऐसे भाव व्यक्त हो, इस प्रकार के कविता उसमें, उस सारे उनके पत्रों में जो कविता रूप पत्र है उसमें ये सारे भाव उनके सामने आते हैं। स्वयं उनकी पत्नी भी उनसे, हम कल्पना कर सकते हैं कि विवाह किया है, छोटी आयु में विवाह होता है। जब सावरकर जी को ये आजीवन कारावास की सजा हुई, उस समय उनकी पत्नी जिनको हम माई इस नाम से जानते हैं, वह मात्र 19 वर्ष की थी। सावरकर जी भी बहुत ज्यादा आयु नहीं थी, केवल 27 वर्ष की आयु, पत्नी की आयु केवल 19 वर्ष। और ये जब जेल में मिलने आते हैं तो कैसे उनके संवाद हुए होंगे, थोड़ा थोड़ा उनके संबंधी जीवन चरित्रों में इनका उल्लेख है कि कैसे कैसे संवाद हुए हैं। तो देश के लिए समर्पित परिवारों की सोच कैसी होनी चाहिए, क्योंकि हम सारे परिवार जो है इस कार्यक्रम में शामिल जो परिवार है, ये इसी श्रेणी के परिवार है। और ऐसे श्रेणी के पर ऐसे इस प्रकार के परिवारों की संख्या भारत में लाखों, शायद कुछ करोड़ों की संख्या में है, कम संख्या नहीं। तो ऐसे परिवारों की सोच कैसी होनी चाहिए, इस दृष्टि से यदि हम इन सारे उनके पत्रों का अध्ययन और उस पर चिंतन करते हैं और उसमें से हम क्या क्या ग्रहण कर सकते हैं, यह दृष्टि रखते हुए, तो इस दृष्टि से ये जो कुछ पत्र उनके लिखे हुए हैं या जो प्रसंग उनके जीवन के हैं, उनको उस रूप में यदि हम लोग लेते हैं, तो मुझे लगता है कि हम जो इस सारे श्रृंखला में 75 दिनों की श्रृंखला में जो करना चाहते हैं, उस दिशा में और अधिक तीव्र गति से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हमको बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और उसमें हम सावरकर जी के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए, प्रत्येक काल में संघर्ष का स्वरूप भिन्न होता है।
संघर्ष हमेशा होता है, लेकिन उसका स्वरूप अलग अलग रहता है। सावरकर जी के जीवन का जो अधिकांश काल था, यानी स्वाधीनता से पहले वाला, 1947 से पहले वाला, यह स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए संघर्ष था। अब स्वाधीन भारत में जो संघर्ष है उसका स्वरूप बदल गया है। अब शस्त्रों से इस संघर्ष का विचार नहीं किया जा सकता है। एक प्रकार का हम जिसे कह सकते हैं कि वैचारिक संघर्ष चल रहा है। हम जानते हैं अपने अनेक वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शनों में यह बात आई हुई है कि यह वैचारिक संघर्ष का युग है और इसमें हमें वैचारिक योद्धा चाहिए। अब ये जो वैचारिक युद्ध है, तो मोटे तौर पर युद्ध में दो पक्ष होते हैं। तो एक पक्ष जो हिंदुत्व के समर्थक है, हम जैसे लोग, और दूसरा पक्ष जो हिंदुत्व के विरोधक है। विस्तार में नहीं जाते, ये दो पक्ष है। अब वैचारिक युद्ध है तो हमारे पास वैचारिक हथियार होने चाहिए। इन वैचारिक हथियारों में जो हिंदुत्व के समर्थक हैं, हिंदुत्व के लिए काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने हिंदुत्व यानी क्या, हिंदू धर्म यानी क्या, इसके बारे में जितनी अधिक वैचारिक स्पष्टता होगी, और इस दृष्टि से सावरकर जी का जो रचित साहित्य है, जैसा उन्होंने रत्नागिरी कारावास में लिखा हुआ जो ग्रंथ है हिंदुत्व, तो ऐसे ग्रंथों का व्यवस्थित अध्ययन, उस पर चिंतन, उस पर आवश्यकता अनुसार चर्चा, और उस पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें जोड़ी जा सकती है क्या, इस प्रकार का भी चिंतन। इसलिए सावरकर जी की पुस्तक है तो अंतिम है, ये हिंदू सोच नहीं है। उनसे पहले भी उस दिशा में बहुत कुछ लिखा गया है, कहा गया है, और उसके बाद भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है, आगे भी बहुत कुछ लिखा जाएगा, कहा जाएगा। तो कोई एक पुस्तक लेकर के वह यानी अंतिम शब्द है, यह जो एक सेमेटिक सोच होती है, वो सेमेटिक सोच न रखते हुए, लेकिन प्रत्येक ग्रंथ में से जो मूलभूत बातें हैं, उनको समझना और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका क्या अर्थ है, यह समझने की क्षमता विकसित करना। ये क्षमता जैसे जैसे विकसित होगी, एक वैचारिक योद्धा इस रूप में हम लोग अधिक निपुण होते जाएंगे। अब ये जो वैचारिक योद्धा हमें खड़े करने हैं, सावरकर जी के साहित्य से प्रेरणा हमको लेनी है, लेकिन उसमें कुछ बातें जोड़नी भी है। जैसे आज के संदर्भ में, आज के परिप्रेक्ष्य में हिंदुत्व को लेकर के अन्य भी पुस्तकों का निर्माण हुआ है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदुत्व इस प्रकार की पुस्तक की रचना हुई है, तो ऐसी जो रचनाएं आज भी, और उसको भी पढ़ना, सावरकर जी के साहित्य को भी पढ़ना, उससे पहले के साहित्य को भी पढ़ना, और उसमें से मूलभूत बातें कौन सी है वो समझते हुए, और उस मूलभूत बातों के प्रकाश में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कौन सी बातें हमको जोड़नी है, समझनी है, यह क्षमता विकसित करना है। लेकिन यह क्षमता विकसित करते समय जो सावरकर जी का जोर था, और सावरकर जी के जीवन में हमको प्रत्यक्ष दिखता है कि एक वैचारिक योद्धा इस रूप में सावरकर जी ने, जब वे युवा आयु के थे, तब क्या क्या किया हुआ है। जैसे 1857 का स्वातंत्र समर, ये पुस्तक जब उन्होंने लिखा तो उनकी आयु मात्र 24-25 वर्ष की थी, तरुण थे, युवक थे। लेकिन तरुण थे, युवक थे, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो गहराई में नहीं जा सकते, वे स्वयं गए थे। तो आज के तरुणों में भी यह बात हम क्यों नहीं उत्पन्न कर सकते कि ऐसे जो विषय हैं थोड़े बड़ी बड़ी आयु वालों के लिए है, ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तब करेंगे, अभी तो इनको थोड़ा सा बस फील्ड वर्क करने दिया जाए। अरे फील्ड वर्क करने के साथ साथ यह वैचारिक कार्य युवा पीढ़ी क्यों नहीं कर सकती, और उन्हें वैसी प्रेरणा क्यों नहीं दी जानी चाहिए।
और वैसे सावरकर जी के जीवन के उदाहरण क्यों नहीं बताए जाने चाहिए कि उनकी आयु क्या थी और उन्होंने क्या किया, तो तुम लोग भी कर सकते हो। तो ऐसा थोड़ा सा एक व्यक्तिगत प्रयास भी होना चाहिए, संगठन के रूप में भी प्रयास होना चाहिए। व्यक्तिगत प्रयास तो अपने होते ही रहते हैं, संगठन के रूप में भी ऐसे प्रयास होते रहने चाहिए कि नई पीढ़ी, और इस नजरिए से जब मैं आज के युवा पीढ़ी के नई पीढ़ी के संचालन की ओर देखता हूं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि हम लोग इसका ध्यान रखे हुए हैं कि नई पीढ़ी को भी इस दिशा में हमको आगे ले जाना है। तो थोड़ा चिंतन की दिशा में, जिसको हम युवा चिंतक कहते हैं, तो चिंतक ये चिंतन करना ये केवल बुजुर्गों का काम नहीं है, युवा लोग भी अपने सब प्रकार की व्यस्तताओं रखते हुए भी युवा पर्याप्त मात्रा में सही दिशा का चिंतन कर सकते हैं। उन्हें उस दिशा में ले जाने की और वहां जाने की प्रेरणा देने की आवश्यकता है। मेरा चूंकि ऐसे कामों के लेकर के देश भर में घूमना होता रहता है, तो ध्यान में आता है कि अनेक स्थानों पर संगठन के रूप में भी इस प्रकार के प्रयास होते। मैंने बताया कि व्यक्तिगत रूप के प्रयास तो होने ही चाहिए, लेकिन संगठनात्मक रूप में भी ऐसे प्रयास होने चाहिए। मैंने देखा हुआ है कई स्थानों पर यंग थिंकर्स फोरम, युवा चिंतक मंडल, ऐसे अनेक अनेक नाम दे करके बड़ी संख्या में युवक युवतियां इसमें शामिल होते हैं। उन्हें थोड़ी सी दिशा दी जाती है, उस दिशा में वे लोग जिसको हम चिंतन करना कहते हैं उस प्रकार के काम करते हुए दिखते हैं। अभी रिसेंटली एक जो नागपुर में उदाहरण देखा हुआ है, नाम लेने की अपनी पद्धति नहीं इसलिए मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक युवा जो बहुत उच्च शिक्षा विभूषित है, उसने वर्तमान समय में एक जो स्थानीय लेकिन जो बहुत बड़ी समस्या है, उस समस्या की गहराई में जाकर के उसका हल करते हुए एक बड़ी पुस्तक का लेखन इस युवक ने किया हुआ है। वो दिखने के लिए स्थानीय समस्या दिखती है, लेकिन अब वह समस्या एक राष्ट्रव्यापी समस्या के रूप में स्वीकृत कर ली गई है। यदि समस्या का उल्लेख करना हो तो समस्या है अर्बन नक्सलिज्म, शहरी नक्सलिज्म, शहरी आतंकवाद। यह जो एक विषय जो एक स्थान पर शुरू हुआ, अब यह देशव्यापी हो गया है, तो इस विषय की गहराई में जाकर के क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उस दिशा के एक व्यवस्थित पुस्तक की रचना। ये ऐसी पुस्तकें जो शोधपूर्ण पुस्तकें होती हैं, ये कोई 150 पेज वाली नहीं होती है, ये जरा 400-500 पेज वाली पुस्तकों का निर्माण करना पड़ता है। सावरकर जी की भी हर पुस्तक छोटी सी पुस्तक नहीं रहेगी, कुछ पुस्तकें जो जिसमें बेसिक थिंकिंग है उसकी उसकी पृष्ठों की संख्या बढ़ेगी। ऐसे बढ़े हुए पृष्ठों की संख्या जिसमें है, ऐसे पुस्तक का निर्माण आज भी एक युवक कर रहा है। ये मैंने एक स्थान का उदाहरण बताया, ऐसे अनेक जगहों पर उदाहरण दिखते हैं। तो व्यक्तिगत प्रयासों के साथ साथ ऐसे संगठनात्मक प्रयास भी यदि हम लोग करते हैं, तो जो वैचारिक योद्धा और इनमें युवाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी, इस बात को हम जितना अधिक सुनिश्चित करेंगे, लेकिन युवाओं को थोड़ा सा गहराई में जाने की आदत डालनी पड़ेगी। ये परिस्थितियों का रोना, देखो आज का जमाना ही अलग है, गूगल गुरु का जमाना है, लोग गहराई में जाना नहीं चाहते हैं, लोग पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, ये सारी समस्याएं हैं। ये होते हुए भी हमको बड़ी संख्या में युवक इस दिशा में काम करते हुए दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, तो हम उन समस्याओं का रोना लो करके अब ये तो नहीं हो सकता, ये तो अब भूल जाइए, लोग अब पढ़ना लिखना छोड़ चुके हैं, ये सारी बातें होते हुए भी बड़ी संख्या में युवक पढ़ते लिखते हैं कि नहीं, रिसर्च करते हैं कि नहीं, गहराई में जाते हैं कि नहीं, इनकी संख्या बढ़ाने के व्यक्तिगत प्रयास और संगठनात्मक प्रयास हम जितने अधिक करेंगे उतने अधिक हमारे वैचारिक योद्धाओं की संख्या बढ़ेगी। और आज वैचारिक योद्धाओं की संख्या बढ़ाना ये समय की आवश्यकता है, आज के समय की आवश्यकता है।
और इनमें युवाओं की बड़ी भागीदारी रहे, यह भी आज, क्योंकि आखिर इन्हीं के माध्यम से भविष्य निर्माण होने वाला है। तो हमेशा युवा पीढ़ी ऐसे प्रकार के प्रयासों में शामिल रहे, सहभागी रहे, बड़ी संख्या में रहे, परिस्थितियां चाहे जैसी हो, इस दिशा के प्रयास करना। स्वामी अपने सावरकर जी ने भी जितने प्रयास किए हैं, कितनी संख्या, बड़ी संख्या में युवा उनके साथ रहे हैं, इसका हम लोग देख सकते हैं। क्या उस समय युवाओं के सामने आकर्षण के प्रकार बदलते हैं? आकर्षण हमेशा रहता है। तो व्यक्तिगत प्रयास से और संस्थागत प्रयास से, व्यक्तिगत प्रयास से जैसा उन्होंने मदनलाल ढींगरा के जीवन में परिवर्तन किया कि नहीं, बहुत सारे आकर्षण थे, उन आकर्षणों को पार करते हुए मदनलाल ढींगरा के जीवन में उन्होंने परिवर्तन किया कि नहीं किया। और अभिनव भारत के इस संगठनात्मक प्रयास के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को इस काम से जोड़ा कि नहीं जोड़ा? उस समय की युवाओं के सामने भी अलग अलग प्रकार के आकर्षण हुआ करते, हमेशा रहते। आकर्षणों के प्रकार बदलेंगे, आकर्षण हमेशा रहने वाले हैं। वो आकर्षणों का रोना रोते हुए अब उनको हम शामिल कैसे करेंगे, ऐसा रोना न रोते हुए उसमें से क्या मार्ग निकालना, कैसे मार्ग निकालना, यह आज के कार्यकर्ताओं के लिए जो आवश्यक बात होती है, उस आवश्यक बात को सावरकर जी के जीवन से ग्रहण करना। और सावरकर जी के एक जो काव्य है, उस काव्य का एक उसमें से कुछ हिस्सा है, उसका हम लोग थोड़ा सा पुनर्स्मरण करते हुए इस व्याख्यान माला की सांगता करेंगे। वह काव्य है ने मदसी ने परत मातृभूमि ला। ये कब कैसे इसकी उत्पत्ति हुई थी ये बताने की आवश्यकता नहीं, कल थोड़ा सा इसके बारे में बताया भी जा चुका है। लेकिन कुल मिलाकर के विदेश में जो मैं आया हूं, तो मैं योग्यता अर्जित करने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए गए थे ना, तो भांति भांति की योग्यता अर्जित करने के लिए और दुनिया को देख करके मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकता हूँ, वैसा करने में सक्षम हो सकता हूँ, वैसी योग्यता प्राप्त कर सकता हूँ, इन सारे विचारों के चलते मैं इंग्लैंड में आया हुआ। और फिर उसमें वे कहते हैं, उस काव्य में वे कहते हैं कि जरी उद्धरणी व्ययन तिता हो साचा, हा व्यर्थ भार विद्येचा। मैं जो विद्या ग्रहण कर रहा हूं, मैं जो योग्यताएं प्राप्त कर रहा हूं, इन सारे योग्यताओं का उपयोग यदि मेरे मातृभूमि के उद्धार के लिए यदि नहीं होने वाला है, मेरे मातृभूमि के आगे बढ़ने की दिशा में यदि मेरी योग्यताओं का उपयोग नहीं होने वाला है, तो उन्होंने उन सारी विद्या को व्यर्थ भार कहा है। तो हमारे जो जिन युवाओं को हम प्रेरणा देंगे, खूब योग्यताएं हासिल कीजिएगा, सब प्रकार की योग्यताएं ग्रहण करिए, सीखिए, सब सारी बातें सीखिए, लेकिन इन सारी योग्यताओं का उपयोग यदि हम अपने देश धर्म के लिए नहीं करेंगे, तो हमारी सारी योग्यताएं हमारे लिए एक भार के स्वरूप होनी चाहिए, जिसका भार का कोई उपयोग नहीं होता है। ऐसी सोच लेकर के यदि हम सबका निर्माण करते हैं, और वैसी प्रेरणा हम सावरकर जी के जीवन से और ऐसे अन्य महापुरुषों के जीवन से ग्रहण करते हैं, तभी इस प्रकार के जो कार्यक्रमों की श्रृंखला है, ये श्रृंखला मनाने की सार्थकता रहेगी। थोड़ा आज भी दो चार मिनट अधिक लग गए हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए आप सबको नमस्कार।